हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम, वेलकम इन साइंस सिरा। माय स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और यूनिट नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और यूनिट नंबर 3, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं ये यूनिट जो यूनिट 3 है जिसमें हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे। आप लोग तो क्लास 9 में ऑलरेडी देखे हुए हैं सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 8 में ऑलरेडी सेल चेक किए हुए हैं, सब में पढ़े हुए हैं आप लोग। लेकिन हम आपको क्लास 11th में आपको बताएंगे कि स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी डील होगा, और साथ ही साथ ज्वाइंट एंट्रेंस नहीं बल्कि नीट एग्जामिनेशन, चूँकि नीट एग्जामिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ आउटसाइड होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में एनसीईआरटी का 70-80% सिलेबस मैच करता है, ये बात आप लोगों को पता होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा पढ़ा जाए, हम लोगों को इस तरह से पढ़ा जाए कि हम लोगों का बुक भी कंप्लीट हो, चैप्टर भी कंप्लीट हो, क्वेश्चन आंसर भी हो, और साथ साथ नीट की भी तैयारी चलता चला जाए, ठीक है ना। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, जो यूनिट 3 है जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, इसमें हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 जो सेल के बारे में बताया करेंगे, सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से मीन्स कंपाउंड होते हैं, मीन्स किस किस तरह के उसमें केमिकल्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो वाटर होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो इसी यूनिट से रिलेटेड है, जो होंगे बायो मॉलिक्यूल्स। देखिए, मैं आपको चाहता तो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 चैप्टर 1 से शुरू करता, लेकिन मैं आपको पहला वीडियो यूनिट 3 जो कि आपका जाना पहचाना होगा, क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग वहाँ से करना चाहिए जहाँ से इजी हो, जहाँ से पहले से जानकारी, क्योंकि पहले से बोरिंग अगर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर आपको आगे भी टॉपिक में दिक्कत होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसा जगह से स्टार्ट करूँ जहाँ पे आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो ज़्यादा ईजी होगा। सेकेंड पॉइंट है चैप्टर नंबर 9 जिसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। अब ये बायो मॉलिक्यूल्स क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल वही है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, एंजाइम क्या होता है, हॉर्मोन्स क्या होता है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से ये कैटलिस्ट काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग सेल के अंदर जो है देख हो रहा है किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं, किस तरह से क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 10 में आएंगे जहाँ पर हम लोगों का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होगा। बात समझ में आ रही है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होंगे। तो ये तीनों यूनिट बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं, है ना। तो बहुत इसमें मैं उसी पॉइंट को हाईलाइट करूँगा, उसी पॉइंट को डिस्कशन करूँगा जो पॉइंट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, वो स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या फिर नीट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पढ़ लिया जाए और सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 8 द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले हम इसका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट 3 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिखा है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बायो, बायो मीन्स क्या होता है भाई, लाइफ, है ना। बायो मीन्स लाइफ होता है और लॉजी मीन्स स्टडी होते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या फिर वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ होते हैं, जिसके अंदर जीवन होते हैं, उसके स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं, ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्राउट टू आवर डाइवर्सिटी। अब इस लाइफ फॉर्म में क्या सब एक जैसे हैं या फिर उसमें कुछ कुछ बदलाव है, और इस चीज़ को समझने के लिए हमको थोड़ा सा सेल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि जो जो साइंटिस्ट ने जो जो थ्योरी पेश किया, जो जो बातें बताएं उन्होंने, क्या वो सारी बातें इसके अकॉर्डिंग में सही है या नहीं है, और डेट एम्फेसिस द यूनिटी अंडरलाइन दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म डैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, मीन्स जिस जिस लाइफ को हम लोग देख रहे हैं, जिस जिस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, जो जीवित है, क्या उस सारे ऑर्गेनिज्म में लाइफ फॉर्म है, और वो लाइफ फॉर्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या सबका एक जैसा सेल है, क्या सेल के स्ट्रक्चर सबके एक जैसे हैं, सेल के शेप, सेल के साइज, सेल के नंबर, ये सब क्या एक जैसे हैं या फिर वो अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए हम लोग आगे देखते हैं सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें।
यहाँ पे मुझे एक अच्छा पॉइंट आपको मिला जो आपको शायद नोट करना चाहिए. व्हाट आर दिस कंपाउंड डूइंग इन साइड द सेल, मीन्स ये जो सारे कंपाउंड जो हमने अभी जस्ट बात किए वो सब सेल के अंदर क्या करें. बोला गया एंड इन दैट व्हाट वे द कैरी आउट ग्रोस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी चाहिए. अब ऑर्गेनिज्म तो सेल से बनाओ, इसका मतलब सारा काम कौन करेगा, सेल करेगा. In other words, we can be answer this question, what is the molecular basis of all physiological process? It can be explained the abnormal process that occurred during any disease condition. This physico-chemical, यहाँ पे देखो physico, देखो physics बोल रहा है. Physico means physics के according में, physics किस तरह से काम करता है, light की, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, class 10 पढ़े हम लोग पढ़े होंगे light के बारे में, पढ़े हम लोग electricity के बारे में, पढ़े होंगे हम लोग क्लास 9 में अगर बात करें तो मोशन के बारे में पढ़े, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या ये सब फिजिको केमिकल क्या सेल में लागू होता है. एंड केमिकल मीन्स उसके केमिस्ट्री मीन उसके, जैसे अभी हम लोग जस्ट चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग देखेंगे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या हो उसका होता है. अप्रोच, यहाँ से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोच टू स्टडी स्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. मतलब कि अगर किसी सेल का फिको मीन्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो उसमें रिवॉल्व हो, जैसे मान लीजिए एमीबा की बात करें तो एमीबा मूवमेंट कैसे होता है, सीडोपोडिया में बोले उसको समझो ऐसे कि पूरा का सेल जो है मूवमेंट करेंगे, उसमें पूरा का पूरा सेल जो है उसमें मूवमेंट होते हैं, ठीक है. तो ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग में काम करता है. और केमिकल की मीन्स होता है उसके अंदर कौन सा एंजाइम है, कौन से हॉर्मोन डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है. ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं. चलिए हम लोग चलते हैं अगले पेज में. यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जी एन रामचंद्रन, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, बी फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ, छोड़ दीजिए इस पॉइंट को, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने का है. रामचंद्रन बोले कि उसके डिस्कवरी जो है जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है सर, तो हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे किसमें, आपको दिखाया जाएगा बायोमोलिक्यूल्स में कि हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है. हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन, याद रखिएगा बाबू कॉलेजन प्रोटीन, अगर आप क्लास 9 पढ़े होंगे आप लोग तो क्लास 9 में एरियोलर टिश्यू के अंदर तीन तरह के सेल्स पाए जाते थे. एक सेल का नाम फाइब्रोसाइट, और वो फाइब्रोसाइट स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाता था, और वो प्रोटीन क्या होता है, इलास्टिन प्रोटीन और कॉलेजन प्रोटीन, याद रखिएगा. एरियोलर टिश्यू वो टिश्यू जो हमारे स्किन को ऑर्गन को पकड़ के रखता है, उस सेल के उस टिश्यू के अंदर स्पेशल सेल्स होते थे, वो सेल्स कॉलेजन प्रोटीन बनाता था जिसके बिना पे टेंडन ना टेंडन और लिगामेंट, नाम सुने होंगे आप लोग टेंडन लिगामेंट जो होते हैं, ये उसका फॉर्मेशन होता था. उसी के बारे में इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन, पब्लिश इन नेचर इन 1955. उन्होंने इस बात में इसकी डिस्कवरी किया और इसको पब्लिश करवाया 1954 में. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. और यहाँ पे भी इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, व्हाइल एट कैम्ब्रिज मीन्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रामचंद्रन मेट लिनस पॉलिंग एंड वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल्स ऑफ अल हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर दैट डिरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन. मीन्स लिनस पॉलिंग किसके, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो आगे प्रोटीन हम लोग देखने वाले हैं, इसके बुक को या इसके थ्योरी को पढ़ के इसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला कि वो अपने कोलेजन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता करने में. समझ में आ गया बात यहाँ पर. बाकी क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो पैसेज है, ये इसके पैसेज में इसके लाइफ स्टाइल पूरा दिया हुआ कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पढ़े, वो सारी चीज़. तो ये सब चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करा लिया, नोट करते चलिएगा. हाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम लोग जो है इसमें रीडिंग करते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे, हाईलाइट करते चलेंगे. आप लोगों का काम होगा इसमें से पॉइंट को नोट करते चलना, याद रखेंगे आप लोग. चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग इसका पॉइंट, ठीक है. तो आ गया चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन तो हम लोगों का हो गया. अब हम लोग स्टार्ट होगा सेल.
अब देखो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि भैया सेल तो हम पढ़े हुए हैं, सेल तो हम जानते हैं, तो देखते हैं कि द यूनिट अप्लाई। देखिए जैसे क्लास 8 में पढ़ा आपने तो वहाँ पे कुछ अलग डेफिनेशन था, 9 में पढ़ा आपने वहाँ पे अलग डेफिनेशन है, अब आप 11th में पढ़ रहे हो तो ये डेफिनेशन बिल्कुल जो है एकदम अलग है द यूनिट अप्लाई। वेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इधर उधर देखोगे कहीं भी देखोगे तो आपको बहुत दोनों चित्र मिलेगा, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसमें लाइफ नहीं है लिविंग, और कुछ ऐसे हैं लिविंग है जिसमें मूवमेंट हो रहे हैं, जिसमें काम चल रहा है, जो सांस ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद भी आप वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज इट दैट मेक्स ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज द इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच लिविंग थिंग हैज, मीन्स उसमें ऐसा क्या चीज़ है, मीन्स उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा पार्ट उसके अंदर है जो उसे लिविंग बनाता है और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे उसे नॉन लिविंग बनाता है, ठीक है ना। द आंसर टू दिस द प्रेजेंस ऑफ द, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि जो इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसकी बना वो लिविंग है, वो है उसका सेल, जिसको हम लोग है ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका चैप्टर, ठीक है ना, इसी के बेस पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो क्या होगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल के होंगे और वो पूरे लाइफ फॉर्म, मींस हम लोग अपनी बात कर लेते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो लिविंग होंगे और वो यूनिसेलुलर होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो लिविंग होंगे और वो मल्टी सेलुलर होंगे, और मल्टी सेलुलर की बात अगर कर लेते हैं तो हम लोगों के अंदर सांस लेने का मीन्स इनहेलिंग एक्सहेलिंग कर रहे लंग से, हार्ट ट्रांसपोर्टेशन कर रहा, किडनी एक्सक्रेशन कर रहा, लीवर एंजाइम और हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, स्टमक डाइजेशन करने का काम कर रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सब हो रहा है। यहाँ पे एक बात को समझिएगा, बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शंस करता है, क्या वैसा ही यूनिसेलुलर के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात, यूनिसेलुलर के अंदर भी उसी तरह का फंक्शंस होते हैं। हाँ अलग बात है कि हमारे इस ऑर्गन में अलग अलग काम कर रहा है अलग अलग ऑर्गन, उसमें जो यूनिसेलुलर की अमीबा की बात कर लेते, पैरामेसियम की बात कर लेते, यूलिना की बात कर लेते, वोल्गॉक्स की बात कर लेते, क्लैमिडियम, तो ये सब जितने भी हैं ये सब के सेल के अंदर वो सारे फंक्शंस होंगे जो हम लोग मल्टी सेलर के अंदर होंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर दो चीज़ें, एक तो हम लोगों का सेल है, दूसरा उस सेल से बना हुआ बहुत सारे ऑर्गन, तो बात समझ में आगे बात होगा। तो हम लोग यहाँ पे मल्टी सेलर और यूनि सेलर की बात कर चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे की ओर। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे शुरू होता है व्हाट इज अ सेल, दिस इज 8.1, सेल क्या है, यूनि सेल ऑर्गन कैपेबल ऑफ, यहाँ पे दो बात इसको आप नोट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मीन्स कि जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप में ही रहे, वो अकेले भी जीवित रह सकता है, और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मीन्स टू से दैट कि वो अपना काम खुद कर सकता है और अपने वो सारे चीज़ को वो अपने आप है ना मेंटेन करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके बिना उसे है ना जिंदगी मिलेगा वगैरह वगैरह जो भी। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसा हो जाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा, वो डेड हो जाएगा, मतलब कि अगर किसी का सेल निकाल दिया जाए तो या फिर सेल के अंदर कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स है उसको हटा दिया जाए तो फिर वो लिविंग नहीं रह जाएगा। हिंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ या फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगा देता हूँ कि सेल क्या है भाई, तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यह जो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दागा लगाया ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लास 9th में ये दिया हुआ है। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से शुरू हो रहा है मीन्स इसको बोलेंगे हम आपको हिस्ट्री, या बोलेंगे हम आपको इसका एंड मीन्स डिस्कवरी की बात करेंगे। अगर मैं इसमें तो थोड़ा थोड़ा सा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, दो साइंटिस्ट का नाम दिए, एंटन वॉन लीवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्रॉन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। मैं इसके पहले थोड़ा सा कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि कुछ एक को बेसिक जानकारी मिल जाए, मैं साइड में इसको नोट करते रहता हूँ, ठीक है, थोड़ी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसका नाम है एरिस्टोटल,
ठीक है ना, एरिस्टोटल, नाम सुने होंगे आप लोग एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्लांट और एनिमल जो है ये इन एनिमल थिंग से बना हुआ है, मतलब कि वो मीन्स प्लांट और एनिमल जो है कुछ ही रिपीटिंग एनिमल से बना, मीन्स एलिमेंट से बना हुआ है, इन एनिमेट नहीं, मैंने रॉन्ग बोल दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एरिस्टोटल ने सबसे पहले बोला कि एनिमल हो या प्लांट हो, क्योंकि एक अब बीसी में बात हो रहा था, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा मसीह के पहले की बात हो रही, तो वहाँ पर उन्होंने बोला क्या भाई, उन्होंने बोला कि एनिमल या प्लांट जो भी है वो किसी एक ही चीज़ से बना हुआ है, क्योंकि उसको डिस्कवरी कुछ हुआ नहीं था, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन उनको पता था कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसको बनाए रखता है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक, ये भी क्लास 8 में पढ़े होंगे रॉबर्ट हुक के बारे में, 1665, ठीक है, 1665 में इन्होंने बताया क्या भाई कि सेल जो होते हैं ना वो स्मॉल कॉम्पार्टमेंट में, बार्क मीन्स में आपको बोल सकते हैं, इसमें हनी कॉम के जैसा वो दिखता है ना, वो प्लांट के बार्क में उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर को देखा, अपने खुद ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा, और उन्होंने उसको क्या बोला, सेलुला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिटिल रूम। उसने सेल का नाम क्या रखा, सेलुलर रखा, और इसी से पढ़ा उसका सेल, और ये बात यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि क्या होगा, इसने ग्राफिया नाम का बुक जो उन्होंने लिखा था उसी में इस बात का, मतलब जो जो उन्होंने डिस्कवरी किया वो सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आते एंटन वॉन लिविनो, जो आपकी बुक में दिया हुआ है 1674, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1674, 1674 में फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब लिविंग सेल्स, मतलब इसने पहली बार जिसमें स्पर्म सेल्स को उसने देखा, बैक्टीरियल सेल्स को देखा, उसने एनिमल सेल्स को देखा, मतलब सेल को देखें जो मूवमेंट करता। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में सिर्फ बताया था, उसने कुछ देखा नहीं, मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ नहीं, बस उसने बोला कि कुछ तो ऐसा लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट जो एक ही जैसा दिखते हैं, जैसे हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता अगर देख लोगे आप उसमें, जैसे मधुमक्खी रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, कैसे होते, सब एक जैसा होते। उसी ने, रॉबर्ट हुक ने इस बात को कहा, और ये पहले साइंटिस्ट है ना इस बात को कहा। उसके बाद फिर एंटन वॉन लिविनहॉक ने 1674 में उन्होंने बता दिया कि भाई सिर्फ सेल ही नहीं होते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं कुछ जो लिविंग। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन है ना, आपका रॉबर्ट ब्राउन जो है आपका, उसका नाम जो है 1830, यहाँ पे मैं लिख देता 1831 है ना, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, याद रखिएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेल ही है, सेल के अंदर भी कुछ होता है, इसका नाम हो है ना न्यूक्लियस, उन्होंने आपको दिया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग, और ये सब कब हो पाया, ये सब तब हो पाया जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के बारे में उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के बारे में, मतलब उन्होंने अपने ही डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से सब चीज़ों को देखा, और ये सिर्फ और भी ज़्यादा आसान कब होगी, जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हो 1940 के बाद, 1940-1950 के एक दशक में जो है ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप आया, ठीक है। उसके बाद भी शुरू होता है, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम मैं बता देता हूँ, हमें पुरकिनजी, PURNKINJEE, 1839, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, याद रखिएगा, जो अभी प्रोटोप्लाज्म आएगा आगे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पहली बार में बताया, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है सेल थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, एक साइंटिस्ट का नाम मैथियस स्लेडन, ठीक है ना, मैथियस स्लेडन, या उसको उसका सही नाम मैथियस जैकब स्लेडन, 1838 में, ध्यान से सुनिएगा आप, 1838 में जर्मन, अब यहाँ से आप लोग नोट करने का, ये सब नोट कर सकते हैं आप लोग, एक जर्मन बॉटनिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व, देखो प्लांट्स के बारे में, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, मीन्स टू से दैट, उन्होंने बोला, उन्होंने प्लांट को बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किया और बताया भैया कि प्लांट जो है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स से बने हुए हैं, और ये सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे प्लांट के टिश्यू बनाएंगे, है ना, एट अबाउट द सेम टाइम, एक ही टाइम में ये बनाएंगे, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ पे, है ना, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम थियोडोर स्वान, ठीक है, थियोडोर स्वान 1839 में, जस्ट एक साल के बाद, जब ये स्लेडन ने, मैथ्यूस जैकब स्लेडन ने इस बात को बताया, तो तुरंत स्वान को लगा कि भैया मेरे को भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो एक जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट समझे, बॉटनी समझिए कि प्लांट के बारे में बताते, और जूलॉजी जो एनिमल के बारे में बताते, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सेल्स
and reported that cells that have thin layer which is today known as plasma membrane. मतलब इन्होंने पहली बार एक thin layer को plasma membrane को पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया या उन्होंने पता लगाया कि भैया सेल के बारे में कुछ तो ऐसा पतला सा मेम्ब्रेन है. तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया. यहाँ पे उसका नाम होगा थियोडोर स्वान. ठीक है. ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू. और फिर उन्होंने साथ साथ में प्लांट टिश्यू के बारे में बता दिया. एनिमल का तो कर रहा चुके वो ऑलरेडी जूलॉजिस्ट थे. उन्होंने बताया कि हम प्लांट के बारे में थोड़ा चेक कर लेते ना प्लांट टिश्यू डेट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. तो उन्होंने बताया कि एनिमल सेल होंगे उसके अंदर जो एक मेम्ब्रेन होंगे जो बहुत थीन होंगे जिसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला. और उसके बाद फिर उसने मतलब आज हम लोग उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं लेकिन उसने उसका थिन आउटर लेयर बोला. उसके बाद जब प्लांट को देखा जो आपका स्लेडन ने जो बताया था उसके मेम्ब्रेन को देखा कि देखते हैं कि जो स्लेडन ने जो बोला प्लांट सेल के बारे में देखते हैं कि उसके ऊपर कोई लेयर या मेम्ब्रेन है कि नहीं. तो देखा कि उसके अंदर दो मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन जो ऑलरेडी था और एक और आगे इसका नाम हो गया सेल वॉल. इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ दैट प्लांट सेल. ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. और ये बात उसने स्वान स्लेडन का और खुद का थ्योरी को मिलाकर उसने एक बात को साबित कर दिया कि सेल जो है जो बना हुआ है वो किसी एक ही चीज से बना हुआ है या फिर कुछ अलग अलग प्रोडक्ट से बना हुआ है. एंड देन स्लेडन स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. और सेल थ्योरी पहली बार नाम आया सेल थ्योरी का किसके बेस पे? स्लेडन एंड स्वान के बेस पे. ठीक है. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म. ये थ्योरी ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं. इस थ्योरी में सिर्फ ये बताया कि सेल है या प्रोडक्ट ऑफ द सेल से बनते हैं उसके अंदर मतलब कुछ भी चीज है जो सब एक जैसे होते हैं. ठीक है. उसके बाद सामने आता है उसके बाद क्या दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउस न्यू सेल्स वेयर फॉर्म. रुडोल्फ जो एक और साइंटिस्ट आते हैं 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जिन्होंने लैटिन में बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला. तो हम लोगों को यहाँ पर दो थ्योरी मिल जाते हैं ना. चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट पॉइंट में लेके चलता हूँ मैं. एक सेल्स ऑल लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म आर कंपोज सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम. तो ये जो लाइन है ये लाइन जो है ये थ्योरी स्लेडन एंड स्वान का माय डियर स्टूडेंट. लेकिन ये जो थ्योरी है वो किसका? रॉबर्ट रुडोल्फ विर्चौ का जो 1855 में उन्होंने एक्सप्लेन किया था. और ये दोनों थ्योरी मिला के क्या सेल थ्योरी जो कंप्लीट हो गया क्योंकि स्लेडन स्वान ने सेल कैसे आते हैं कहाँ से आती है ये बात नहीं बताया. रुडोल्फ आके बताइए नहीं ये जो सेल जितनी भी पैदा होती है वो अपने जैसे किसी सेल से वो बन के आते हैं. ठीक है. और यहाँ पर सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाता है आपका. उसके बाद हम लोग चलते हैं 8.3 ओवरव्यू ऑफ सेल. यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें. एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स जो पढ़िए ऑब्जर्व देन ऑनियन पील के बारे में हम लोग पढ़े थे. ह्यूमन चीक सेल के बारे में पढ़े थे. अंडर माइक्रोस्कोप के बारे में देखे थे हम लोग है ना. क्लास 9 में भी हम लोग चेकआउट किए थे. लेट अस क्लियर द स्ट्रक्चर द ऑनियन सेल्स व्हिच इज अ टिपिकल प्लांट सेल. अब जो बात उन्होंने कहा जो भी सेल थ्योरी में था अब बात आ गई उस सब चीज़ को सही से देखते हैं कि सही से ये सारी चीज़ें है या नहीं है. तो बोला कि हम प्लांट सेल देखते हैं. दे हैड अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन ए सेल मेम्ब्रेन. मतलब कि सेल वॉल भी दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन दिखेगा. सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैज एन आउटर मेम्ब्रेन हैज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. और जो रॉबर्ट ब्रॉन ने बोला वो भी बात साबित हो गया. जो आपका रुडोल्फ विर्चौ और स्लेडन स्वान ने जो बोला सेल मेम्ब्रेन होते हैं या सेल वॉल होते हैं वो भी ये बात को साबित हो गई जब हम लोगों ने ये एक्टिविटी को हम लोगों ने जब किया क्लास 9 में. दिस न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोजोम विच ये जो पॉइंट आपको नोट करने का है विच टर्न कॉन्टेन द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. यहाँ पे देखो जेनेटिक मटेरियल क्लास 8 में इसका नाम रखा गया था आपका जो है क्रोमेटिन मटेरियल. क्लास 9 में जब आया इसका नाम हो गया जो है आपका हाँ क्रोमेटिन मटेरियल क्लास 9 में. और क्लास 8 में तो क्रोमेटिन से बोला गया था. ठीक है. यहाँ पे बात आ गया जेनेटिक मटेरियल है ना या फिर न्यूक्लियर मटेरियल बोल सकते हैं जिसको डीएनए बोला गया. याद रखिएगा न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल सबका एक ही बात है कि क्रोमोसोम क्रोमोसोम किससे बना हुआ डीएनए से बना हुआ. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर कॉल्ड यूकार्योटिक सेल्स. यहाँ पर एक बात को याद रखना कि वो सेल जिसके न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होगा ना माय डियर स्टूडेंट उसे हम लोग यूकार्योटिक सेल्स बोलेंगे.
व्हेयर सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। याद रहेगा आप लोगों को कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, मीन्स उसके क्रोमोसोम यूं ही बाउंड्रीज बिना रख के वो इधर उधर फ्लोट कर रहे, घूम रहे, उस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे एक नया बात सामने आ रहा है साइटोप्लाज्म का माइटोस्टोरम, क्यों ये जो डेंस मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें न्यूक्लियस भी होते हैं। अब बात आ रही है कि ये होते किसमें, डेंस मटेरियल क्या नाम है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल की। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताया कि साइटोप्लाज्म जो बोथ पे एनिमल्स एंड प्लांट दोनों होते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल लिविंग स्टेट। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जितना भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दैट्स नेम इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। याद रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। स्पेलिंग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा तो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो जानते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब सेल के अंदर होने वाले वो सारी चीज़ें जो हैं वो केमिकल रिएक्शन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट मिस मत कीजिएगा, नोट करते चलिएगा जरूर से। देन बिसाइड न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस की बात छोड़ देते हैं, यूकार्योटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक, मतलब कि यूकार्योटिक के अंदर जो है, यहाँ बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि यूकार्योटिक के अंदर जो है सबसे अच्छी बात है वो ये है कि न्यूक्लियस तो है ही, लेकिन उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स भी हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स को समझिए, जैसे हमारा बॉडी है, चूँकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर है, बड़े बॉडी हम लोगों के हैं, तो हम लोगों की बॉडी के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्ट वो अलग अलग काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन। चूँकि सेल की बात कर लेते हैं तो सेल के ऑर्गन को ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, ये सारे क्या सेल ऑर्गेनेल्स है ना। लेकिन न्यूक्लियस का नाम नहीं आया, तो न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बोल सकते, सेल बॉडीज बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे स्टार में लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो ये जो चीज़ें हैं वो क्या होंगे, इसमें लैक होंगे, मतलब कि अगर ये ऑर्गेनेल्स सेल मीन्स प्रोकैरियोटिक के अंदर हैं या होंगे तो इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होंगे, जबकि यूकार्योटिक के अंदर यहाँ पे साफ लिख दिया गया ना मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे मतलब कि जितने भी मैंने यहाँ पे नाम जो लिखा है इस एनसीईआरटी में और भी बहुत कुछ है इसके अंदर है ना, तो वो सब में क्या होंगे, बाउंडेड मेम्ब्रेन होंगे, मतलब उसके अपने एक मेम्ब्रेन होंगे यहाँ। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनेल्स होंगे उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का लैक होगा, मीन्स इट हैज नो। अब यहाँ पे फिर एक और पॉइंट स्टार्ट आ रहा है, इसको भी ध्यान से देख लेंगे आप, राइबोसोम्स और नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। लेकिन राइबोसोम एक लौता ऐसा ऑर्गेनेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन और ये ऑल सेल्स में पाए जाते हैं, मतलब यूकार्योटिक में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में, जबकि ये सारे जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो स्टार लगा रहा मैं, ये सब जो है ये प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता है, और अगर पाया जाता होगा तो इसका नाम ये नहीं होगा, और अगर वो पाया जाता होगा तो उसमें मेम्ब्रेन भी नहीं होंगे। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन अ साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ तक भी नहीं, मतलब देखते देखते ना यूट्यूब में कॉमेडी आता है कि अभी नहीं, अभी यहीं पे नहीं, अभी आगे देखिए, अभी समझिए। यहाँ पे लिख रहा है कि राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म ऑफ यूकार्योटिक या प्रोकार्योटिक में नहीं है, बल्कि दो और ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन RER means rough endoplasmic reticulum, ये तीन जगह हम लोगों का राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, एनिमल सेल्स कॉन्टेन एनअदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। ये भी पॉइंट स्टार लगा दिए, ये सब क्वेश्चन रहेगा माय डियर स्टूडेंट नीट में क्वेश्चन, क्योंकि स्टेट बोर्ड में वट इज दिस दैट ऐसा, लेकिन नीट में जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बताइए कि राइबोसोम के अलावा कौन है, उसका नाम है क्या भाई, सेंट्रोसोम, याद रखिएगा आप सेंट्रोसोम, जिसके मेम्ब्रेन
बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल के पाए जाते हैं, देखिएगा एनिमल सेल यहाँ पर लिखा हुआ, एनिमल सेल पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आके बाद आप लोग, उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं आपको। लिखा गया यहाँ पे सेल्स डिफर ग्रेटली साइज शेप एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग शुरू हो रहा है सेलुलर डाइवर्सिटी, यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं सेलुलर डाइवर्सिटी पे, सेलुलर डाइवर्सिटी लेके चलते हैं। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा सेल जो सबसे ज़्यादा छोटा सेल है, जिसका सेप 0.3 माइक्रोमीटर। यहाँ माइक्रोमीटर थोड़ा समझा देते हैं आपको हम, देखो अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करते हैं, आप मिलीमीटर सुनी होंगे, जिसका अगर मीटर से तुलना करेंगे 10^-3 मीटर होता है, और 1 माइक्रोमीटर बराबर अगर हम बात करें, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होगा, 10^-3 मिलीमीटर हो, याद रखिएगा। इसलिए अगर अगर इस माइक्रोमीटर तो 10^-6 मीटर होगा, याद रखेंगे। अब से समझ में आ गई बात, आप सोच सकते हैं 0.3 माइक्रोमीटर अगर मिलीमीटर से कॉम्पीट करें 10^-7, मतलब कि 7 तो आपको पता है 7 मीन्स 1 करोड़, मीन 1 करोड़ को अगर हम लोग 1 मीटर को 1 करोड़ हिस्से में डिवाइड करें, उसमें से सिर्फ 3 मीटर होगा, मतलब तीन, समझ के बाद 1 करोड़ 1 मीटर को 1 करोड़ पार्ट डिवाइड, उसमें से केवल 3 नंबर होंगे लेंथ वाइल बैक्टीरिया। अब अगले पेज में चलते हैं लोग, यहाँ पे आप एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे आरबीसी का डायग्राम, यहाँ पे जो राउंडेड होते हैं और बाइकॉन के, बाइकॉन को समझते हैं, यहाँ पे दोनों साइड से चिपटा होगा, ठीक है, दोनों साइड से ही चपटा होगा, इसको बाइकॉन के बोलते हैं। ये एमीबॉइड है, कौन भाई, डब्ल्यूबीसी जो है वो एमीबॉइड है ना, जिसको हम लोग जो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम जो है वो लीकोसाइड भी होता है, आगे पढ़ना हम लोग को लीकोसाइड। ये एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइड ये है ना, एरिथ्रोसाइड आरबीसी दूसरा नाम। ये एमीबॉइड मतलब इट विल चेंज द शेप रेगुलरली। कॉलमनर एपिथेलियम जो है, जो लॉन्ग एरो होंगे, मतलब ये लंबे लंबे होंगे, कहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें सीलिया पाया जाता है, ये स्टमक में पाए जाते हैं, फिलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, ये ट्रैकिया में पाए जाते हैं ना, ये लॉन्ग होते नहीं है। देखो ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। अब और भी अगर हम लोग ऊपर चलते हैं, और भी ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, ये सेल का देख सकते हैं, ये सेल जो है नर्व सेल, ये ब्रांच है लॉन्ग, मतलब कि ये हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है। आप सुने होंगे क्लास 9 पढ़े होंगे आप, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, ये सबसे लंबा सेल है। उसके बाद ये प्लांट्स है, ट्रैकिट्स है ना, इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे, एकदम लंबा होगा, समझ रहे बात ना। और ये मेसोफिल सेल है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं। और भी बहुत सारा, चूंकि एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं, क्लास 9 जो नोट्स होगा वो भी आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट बोर्ड और बोले तो हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नीट का, ठीक है ना। तो नीट में जो है यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, वो सारे पॉइंट से नीट में क्वेश्चन 70% तक आ सकते हैं। इसलिए अगर अच्छा से करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बोला गया कि ये जो 3-5 मिनट बैक्टीरिया की बात करते हैं, सोचो माइक्रोप्लाज्मा कितना छोटा होता है, माइक्रोप्लाज्मा 0.3 बोल रहा है, बैक्टीरिया 3-5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल के बारे में जान ही रहे होंगे आप लोग, ऑस्टिच एग होते हैं। एमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी सेल अराउंड 7 माइक्रोमीटर होते हैं, जबकि प्लेटलेट्स, नाम सुने होंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट जो होते हैं ना वो 2-3 माइक्रोमीटर होते हैं, मतलब कि प्लेटलेट अगर ह्यूमन आरबीसी मतलब ह्यूमन सेल्स की बात करेंगे, सबसे जो छोटा सेल होता है वो प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद आपका जो आरबीसी होता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो स्पर्म और ओवम भी बोल सकते हैं, स्पर्म एंड ओवम है ना, फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, ये लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। देखो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है, लार्जेस्ट सेल जो होंगे ना, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट समय लॉन्गेस्ट लंबा और लार्जेस्ट समय बड़ा, तो ओवम को ले लो सबसे अच्छा, ओवम जो है लार्जेस्ट सेल में, छोटा सेल स्मॉलेस्ट सेल में कौन आएगा, प्लेटलेट्स पे आएगा, कुछ बुक में जो है आरबीसी को लिखता है। नर्व सेल्स आर द सम लॉन्गेस्ट सेल, आगे ना सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन द शेप। अभी जस्ट पढ़े हम लोग पॉलीगोनल कॉलमनर पढ़ लिए, क्यूबॉइडल पढ़ लिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ लिए, और कभी कभी इरेगुलर शेप, जैसे डब्ल्यूबीसी, वो अपना शेप को लगातार चेंज करते रहते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, और ये जो शेप का जो सेल का जो शेप जो चेंज होता है ना, वो उसके परफॉर्म के ऊपर, ये उसको फंक्शन के ऊपर ये सारे शेप चेंज होते हैं।
समझ में तो आ गया बात आप लोग। इसके बाद हम लोग प्रोकार्टिक और यूकार्टिक जो है, अगला जो पॉइंट 8.4 जो प्रोकार्योटिक और यूकार्टिक सेल्स है। अब इसके पहले मैं आप लोगों को जो इसका डिफरेंस दिखाऊंगा कि प्रोकार्टिक यूकार्टिक, चूंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो डिफरेंस दिखा देंगे हम आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 8.4 पे मिलते हैं हम लोग।